ईद के रोज़ सरकारी सतह पर स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुरान पाक को जलाने की इजाज़त दी। इस पे बहुत से सवालिया निशान थे, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चुप रही। फिर वो लोग जो फ्रांस के वाक्य पे वावेला करते थे, जो कहते थे कि जी हम दीन के ठेकेदार हैं, वो चुप रहे। कुरान पाक की बेहरमती का कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये लोग बाज नहीं आते। वो OIC के 57 ममालिक जो इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, शाम, वो क्यों खामोश हैं। मोहित पीरजादा, उन्होंने कुछ दिन पहले जिस दिन खान साहब ने अपनी कॉल दी थी एहतजाज की, उन्होंने ये कहा कि जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो इमरान खान को अपना सियासी मुर्शद मान चुकी हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम सरवर कायनात आकाए दो जहान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, स्वीडन में एक वाक़या पेश आया कि ईद के रोज़ सरकारी सतह पर स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुरान पाक की बेहरमती करने की इजाज़त दी, यानी कि कुरान पाक को जलाने की इजाज़त दी। इस पर बहुत से सवालिया निशान थे, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चुप रही, हमारे जो नाम नहाद मजहबी स्कॉलर्स हैं वो चुप रहे। फिर वो लोग जो फ्रांस के वाक्य पे वावेला करते थे, जो कहते थे कि जी हम दीन के ठेकेदार हैं, वो चुप रहे। अवाम मुंतज़िर थी कि कब कौन कोई कहे, इस पे निकलें, बात करें, गुफ्तगू करें कि आया कि हमारी रेड लाइन क्यों क्रॉस की जा रही है। और स्वीडन पे इतना बड़ा जो ये सारा मामला किया गया है कुरान पाक की बेहरमती का कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये लोग बाज नहीं आते। वो OIC के 57 ममालिक जो इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, शाम, यानी कि जितने भी OIC के मेम्बर हैं, वो क्यों खामोश हैं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। फिर अचानक PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, जुमे के रोज़ जब ये कॉल दी जाती है, GPO चौंक उसका पॉइंट होता है लाहौर में, लेकिन उसके अलावा आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉइंट्स में, जिस तरह KPK में लोग कल निकले, फिर उसके अलावा और कई पॉइंट हैं वहाँ लोग निकले। जैसे ही खान साहब ने कॉल दी तो वैसे उसी ही टाइम जो दूसरे सियासी लोग हैं या सियासी जमातें हैं या वो खिलौने हैं जो पता नहीं किसके कहने पे चलते हैं, जब ज़रूरत होती है तब नहीं चलते, जब ज़रूरत नहीं होती तब वो चलते हैं, तो उन सबको भी याद आ गया कि हमने तो जुमे वाले दिन कॉल देनी है। अब ये तो बात हो गई कि जी कॉल दी है, ठीक है, सारा पाकिस्तान जुमे वाले दिन निकलेगा, लेकिन वेन्यूज़ जो थे वो भी वो थे कि जिस पे कशीदगी हो, लड़ाई झगड़ा हो। खान साहब ने GPO चौंक से मस्जिद शोहदा तक अपना प्रोटेस्ट जो है अनाउंस किया, उसके साथ साथ जो है फिर PMLN जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है साथ ही हार रोड पे चंद कदम की दूरी पे हार रोड पे अपनी यानी कि जो पॉइंट है वो उन्होंने उसकी निशानदेही की कि उधर हम करेंगे। उसके साथ ही एक सियासी और मजहबी कलदम जमात, कलदम तो नहीं कह सकते लेकिन मीडिया पे जो बैन जमात है, उन्होंने उसी रूट से गुजरना था दाता दरबार की तरफ। जुमे की नमाज़ के बाद टाइम आया, हम लोग उधर मौजूद थे, सारा वाक़या देख रहे हैं कि जी जो है PTA के कारकुनान वो GPO से रैली को लेके, कोई 300-400 लोग होंगे, क्योंकि अफरा तफरी का आलम है, जो निकलता है PTA की कॉल पे या PTA का झंडा लेके या किसी भी तरीके से उसको उठा लिया जाता है, इसलिए लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, 200-300 लोग थे, या इससे कोई 50-100 ज़्यादा हो जाएंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। वो अपना मार्च लेके मस्जिद शोहदा की जानब जैसे ही रवा दवा हुए हैं, तो जैसे थोड़ा सा आगे आए हैं तो उन्हें बताया गया कि आगे PMLN वालों का एहतजाज हो रहा है, तो वो लेकिन अपना उनका वेन्यू था, पहले से डिसाइड था, तो वो सीधे चलते गए। जैसे ही वो चलते गए, आगे जाके दोनों पार्टियों के जो कारकुनान हैं उनमें नारेबाजी, शदीद नारेबाजी शुरू हो गई। एक तरफ हकीकी आज़ादी के नारे तो दूसरी तरफ गद्दार के नारे, तो ये जब नारे शुरू हुए तो मामला कशीदा होने शुरू हो गए। बीच बचाओ करके कुछ लोगों ने कहा जी ये आज का जो एहतजाज है ये सियासी नहीं है, खुदा रहा इसको सियासी रंग ना दें, कह के इन लोगों को मुंतशिर किया गया। ये लोग वापस आए अपने स्पॉट पे, फिर GPO चौंक आ गए वापस, PTI ने वहाँ अपना एहतजाज शुरू कर दिया, और जो PMLN है उन्होंने अपना एहतजाज माल रोड पर शुरू कर दिया। इसी दौरान जो है एक सियासी जमात जो के डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैन है, उसके कारकुनान आते हैं, पहले वो गुजर जाते हैं रिक्शे पे, फिर वो देखते हैं
कि आया कि कोई रिस्पांस नहीं आया हमारे गुजरने पे, फिर वो वापस आते हैं एक लड़ाई के मूड में। जैसे ही वो उधर आते हैं आके वो शदीद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, एक तरफ पीटीआई के कारकुना, दूसरी तरफ उस जमात के कारकुना। जैसे ही वो लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं दोनों तरफ से नारेबाजी होना शुरू होती है। तो इसी दौरान कुछ डिजिटल मीडिया के लोग, उनके जो बड़े हैं, जो एक सियासी जमात जो बैन है डिजिटल और मेनस्ट्रीम मीडिया पे और साथ मजहबी जमात भी है, उनके पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि सर जब आपका सपोर्ट है दाता साहब, फिर आप इस जगह इस स्पॉट पे खड़े होकर नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या आप कोई इंतशार चाह रहे हैं? क्या आप कोई लड़ाई झगड़ा चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? तो इसमें उन्होंने कहा जी नहीं जी, हम तो एहतजाज कर रहे हैं जी, ये हमारे साथ मिलके एहतजाज करें, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये क्या है। लेकिन इधर एक बड़ी प्यारी बात जो मोहित पीरजादा की मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने कुछ दिन पहले जिस दिन खान साहब ने अपनी कॉल दी थी एहतजाज की, और उनकी कॉल के बाद पीएम शहबाज शरीफ ने एहतजाज की सेम डे सेम टाइम और बिल्कुल नज़दीक वेन्यू की कॉल दी, फिर उसके बाद दूसरी कई जमातों ने कॉल्स दी। तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो इमरान खान को अपना सियासी मुर्शद मान चुकी हैं और उसी दिन एहतजाज कर रही हैं जिस दिन खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी, और वो खान साहब के पीछे खड़े हैं। बज़ाहिर तो हमें लगता है वो नहीं खड़े हुए, लेकिन वो खड़े इस तरह से है कि उनको पता है कि हमारे कहने पे क्राउड नहीं निकलेगा। खान साहब कहेंगे कोई 200-400 बंदा निकल आएगा, लेकिन हमारे कहने पे क्राउड नहीं निकलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया था कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना, जो इस्लाम की खातिर बना, उसमें ये सब कुछ हो रहा है, उसमें ये सियासत हो रही है। तो मैं इन अपने हुक्मरानों से कहता हूँ, खुदारा जिस नाम पे, जिस हस्ती के लिए और जिस दीन के लिए ये मुल्क बना है, खुदारा इसको उस तरफ जाने दें, अपने मफादात छोड़ें। आप तो लूटते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। आप इधर सूद के निज़ाम तो नाफिस कर सकते हैं, लेकिन इस्लामी शरीयत नाफिस नहीं कर सकते। आप इधर जो है चोर का जो हाथ काटना इस्लाम में जायज़ है वो तो बंद कर सकते हैं, लेकिन चोरों को नहीं पकड़ सकते। आप खून का बदला खून तो है, लेकिन आप उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन जराइम को नहीं रोक सकते। जराइम को आप कैसे रोकेंगे जब आप खुद जराइम करने से बाज आएंगे? खुद तो आप लूटते हैं, पाकिस्तान का माल लूटते हैं और चले जाते हैं। और फिर इसी इस्लाम पे कभी कहा जाता है जलसों में इस्लामी टच, कभी कुछ। आप जितनी भी सियासी जमातें हैं तहरीक इंसाफ समेत, सब इस्लाम को अपने अपने मतलब के लिए यूज़ करती हैं, लेकिन इन सबको ये नहीं पता कि जब भी सरवरे कायनात आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, कुरान पाक पर, दीन पर कहीं भी आँच आएगी तो हम मुसलमानों के दिलों को जो है ठेस पहुंचती है। खुदारा दीन के लिए तो इकट्ठे हो जाएं, ये सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी फसाद से भी बाहर निकलें और एक हो जाएँ। अब तक के लिए इतने ही, फर्दर जो भी डिवेलपमेंट्स होंगे हम आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक अपने होस्ट सामराना को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।